आप सभी का आज की वेब संगोष्ठी में बहुत बहुत स्वागत है। विषय है आज की वेब संगोष्ठी का ईपब इंट्रोडक्शन एंड यूसेज। किताबें हम सभी के जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। हम जब चाहे तब अपनी पसंद की किताब आसानी से पढ़ सकते हैं, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि दृष्टिबाधित व्यक्ति पुस्तक को कैसे पढ़ता होगा? तो उसका उत्तर है कि वो ब्रेल और ऑडियो पुस्तक के माध्यम से पुस्तक को पढ़ता है। पहले ऑडियो पुस्तकें कैसेट में मिलती थी, फिर MP3 फॉर्मेट में आने लगी, और जैसे जैसे तकनीक में बदलाव आता गया और नए आविष्कार होते गए, तो हमें पुस्तकें ऑडियो पुस्तकें हमें डेजी फॉर्मेट में मिलने लगी, जिससे कि इस डेजी फॉर्मेट से ऑडियो पुस्तक में ही नेविगेशन की फैसिलिटी जो लिसनर है उनको मिलने लगी। आज ईपब हमें सुगम्य पुस्तकों की दुनिया में एक कदम और आगे ले जाने में हमारी मदद कर रहा है। तो आज के वेबिनार में हम ईपब के बारे में जानेंगे और जानेंगे कि ये क्या है और इसे हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। आज के वेबिनार को शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले स्वागत करना चाहूंगी हमारे आदरणीय निदेशक सर निपवेट डॉक्टर हिमांशु दास जी का। मैं सर का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे आज के वेबिनार में, और मैं बताना चाहूंगी कि आप दिव्यांगता के क्षेत्र से पिछले 23 सालों से जुड़े हैं, जिसमें आपने दिव्यांगजन के उत्थान के लिए एक अहम भूमिका निभाई है। दिव्यांगजन पुनर्वास हो या इससे संबंधित स्कीम पॉलिसी बनाने का कार्य, रिसर्च वर्क, अकादमिक या फिर प्रशासनिक कार्य आदि, इस तरह के कई कार्यों में सर आपका मार्गदर्शन मिला है, और आपके इन बहुमूल्य अनुभवों से हमारा संस्थान भी लाभान्वित हो रहा है, जिससे कि हमारा संस्थान, हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में हमारा संस्थान नए नए आयामों को छूने में सक्षम होगा। सर, आपके मार्गदर्शन में ही आज हम इस वेबिनार को कर रहे हैं, तो सर आपसे अनुरोध है कि हमारे प्रोत्साहन के लिए आप दो शब्द कहें। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वेबिनार में। जी सर, नमस्कार जी, चेतना जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं डॉक्टर पंकज कुमार जी, हमारे एसिस्टेंट प्रोफेसर स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट के निभेट के, पुराना नाम हमारा NIBH है, उनको धन्यवाद ज्ञापन करूंगा। उन्होंने कोऑर्डिनेट किया, आप सब लोगों को एक साथ जुड़ा इस मंच पे आने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी और आपकी टीम को। DFI डेजी फोरम ऑफ इंडिया के सभी लोगों को मेरी तरफ से आमंत्रण है, स्वागत है इस फोरम पे। दीपेंद्र मनोचाचार मेरे बहुत करीबी, बहुत पुराने जान पहचान के हैं। आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला है, इस देश को हमें भी मिला है, और आगे भी उम्मीद रहेंगे आपसे हम सीखते रहेंगे। हमारे रिसोर्स पर्सन DFI की तरफ से प्रशांत वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, संतोष खरा जी जुड़े हुए हैं, जिनको पूरे नेशनली हम लोग जानते हैं कि उनका मान है एक्सेसिबिलिटी विषय के ऊपर। ऑर्बिट से निर्मल वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो भी देश भर के एक नेशनल एक्सपर्ट के तौर पे अपने आप को साबित कर चुके हैं। इस प्रकार के एक्सेसिबिलिटी एक्सपर्ट की समूह इकट्ठा करना हमारे देश में कोई आसान काम नहीं है। मैं पुनः DFI को और हमारे निपमेट के पंकज जी को धन्यवाद करूंगा कि इतने बढ़िया एक्सपर्ट्स हमारे सामने आज लाए हैं। और ये जो हमारी टॉपिक है ईपब, मैं समझता हूँ कि जितने भी हमारे विजुअल इम्पेयर्ड फील्ड में ऑल ओवर इंडिया रिकॉर्डिंग से जुड़े हुए जितने भी लोग शामिल हैं ऑल ओवर इंडिया इन टर्म्स ऑफ एक्सेसिबल लाइब्रेरी, एक्सेसिबल मटेरियल और ई प्रोडक्शन और ई मटेरियल्स और एजुकेशनल मटेरियल्स, जितने भी रिकॉर्डिंग से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, उनके लिए ये एक अहम ट्रेनिंग के रूप में साबित होगी। बिकॉज ईपब इज द फ्यूचर, द होल ऑफ फ्यूचर फॉर एक्सेसिबल सर्विसेज फॉर पर्सन विद विजुअल इम्पेयरमेंट, वो ईपॉप के जरिए होते जा रहा है। और मैं विदेशों में, कई सारा देशों में गया था, उन देशों में मैंने देखा कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की तरह स्टूडेंट्स को एडमिशन देने के पहले ही वो अपने फैकल्टीज को ईपॉप में ट्रेनिंग कर रहे थे और ईपॉप एक्सेसिबल बना रहे थे। हर चीजों को, जो भी डिपार्टमेंट में, जो भी कोर्स में एडमिशन देना है, उसको ईपॉप के साथ जोड़ के वो लोग अलग प्रकार से एक ट्रेनिंग के माध्यम से सबको शामिल कर लेते थे, उस कैंडिडेट को और उनके इवन सहपाठियों को शामिल कर लेते थे ईपॉप में, कि किसी प्रकार से और भी अगर मदद चाहिए होता है। तो इन सब बिंदु को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है इस प्रकार की मुहिम हमें एक वेबिनार के जरिए चलाने से नहीं होगा, पूरे देश के सारे स्टेक होल्डर्स को इस प्रकार की ट्रेनिंग देने की जरूरत होगी। बिकॉज अवेयरनेस एट लार्ज, जितने भी हमारे NGOs हैं, दिव्यांगजन की एसोसिएशंस हैं, RCI के टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन हैं, DDRCs हैं, हमारे CRCs हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट
इंस्टीट्यूट्स है, सब लोगों की इसकी ट्रेनिंग देना बहुत ही अहम मैं समझता हूँ। आगे मैं चाहूंगा DFI और NIBED की ये जुगलबंदी से इस प्रकार के कार्यक्रम जो है पूरे देश में चारों तरफ हम कर पाए, और कोविड की इस युग में जब सारे लोग इतने अस्त व्यस्त हालत में हैं, उसके बावजूद भी आप लोगों ने इस मुहिम को लिया और ले जाने की आगे के लिए सोचा आप लोगों ने, आप सबको बहुत बहुत पुनः मैं आमंत्रण करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सर आपका, आपके इस मार्गदर्शन और प्रोत्साहन के लिए। तो अभी हमारे साथ थे हमारे आदरणीय निदेशक डॉक्टर हिमांशु दास जी। अब हम अपने टेक्निकल सत्र का आरंभ करते हैं और इसमें मैं सबसे पहले बुलाना चाहूंगी हमारे एक्सपर्ट प्रशांत रंजन वर्मा जी को। प्रशांत सर के साथ हमें पहले से ही काम करने का अनुभव प्राप्त है। आप एक्सेसिबिलिटी स्पेशलिस्ट हैं और नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड दिल्ली के जनरल सेक्रेटरी हैं। डेजी कंसोर्टियम को टेक्निकल और टेस्टिंग सपोर्ट भी आपके द्वारा दिया जाता है और आपको एक्सेसिबल बुक प्रोडक्शन में 18 सालों का अनुभव है और आप 25 से भी ज्यादा देशों में इंफॉर्मेशन एक्सेसिबिलिटी पर ट्रेनिंग देने का कार्य कर चुके हैं। आपके द्वारा एक्सेसिबल बुक प्रोडक्शन पर कई वीडियोस और ट्यूटोरियल भी बनाए गए हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो आप अपने फील्ड में एक इनोवेटर और एक ट्रेनर की भूमिका निभा रहे हैं। प्रशांत सर आज हमें बताएंगे कि एक्सेसिबल फॉर्मेट्स की क्यों जरूरत है और क्या क्या ऑप्शंस हैं ई बुक को पढ़ने के लिए, और इसके साथ ही फीचर्स ऑफ ईपब एंड रेलेवेंस ऑफ ईपब फॉर द ब्लाइंड इन इंडिया क्या है। तो प्रशांत सर आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सेशन में। धन्यवाद चेतना जी और नमस्कार सभी को, और धन्यवाद NIPVD का इस इम्पोर्टेंट टॉपिक पे ये वेबिनार अरेंज करने के लिए। तो मैं आपके साथ ईपब के बारे में और जानकारी शेयर करता हूँ और मेरे बाद हमारे कलीग संतोष जी और निर्मल जी भी इसके बारे में बात करेंगे। तो मैं एक प्रेजेंटेशन शेयर करता हूँ और साथ साथ मैं बात करूँगा उसके बारे में। तो मैंने एक प्रेजेंटेशन बनाई हुई है ईपब के बारे में, तो मैं उसको शेयर करता हूँ अभी आपके साथ। तो हमारे साथ जुड़े हुए लोग वैसे तो इश्यूज के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड के साथ स्टार्ट करना चाहता हूँ। तो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैं एक फोटोग्राफ शो कर रहा हूँ, ये हम काफ़ी यूज़ करते हैं। इसमें कई सारी बुक्स रखी हुई हैं और उनको एक चेन से लपेट कर एक ताला लगा दिया गया है। तो इस पिक्चर से हम ये रिप्रेजेंट करते हैं कि जो लोग प्रिंट डिसेबल्ड हैं, जो लोग स्टैंडर्ड प्रिंटेड मटेरियल यानी कि बुक्स, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स नहीं पढ़ पाते, उनके लिए एक तरह से जानकारी का अभाव है या उनका जो राइट टू नॉलेज, राइट टू इंफॉर्मेशन है, उसका एक्सेस उन्हें नहीं है। तो प्रिंट डिसेबल लोगों में कई लोग आते हैं, विजुअल इम्पेयर्ड यानी ब्लाइंड लो विजन भी आते हैं, साथ ही साथ कई लैंग्वेज लर्निंग डिसेबिलिटीज होते हैं जिनकी आंखें नजरें तो ठीक है लेकिन रिटन मीडियम से वो पढ़ाई नहीं कर पाते, उनको कोई और मीडियम चाहिए होता है। इसके साथ ही साथ कई फिजिकली डिसेबल्ड भी होते हैं जो हाथों उंगलियों की समस्या की वजह से या किसी पैरालिसिस या सेरेब्रल पॉल्सी की वजह से प्रिंटेड बुक्स पकड़ नहीं सकते, खोल नहीं सकते या अपनी आंखें एक जगह पे नहीं रख सकते। इस तरह से एक्चुअली एक बहुत बड़ा नंबर है सोसाइटी में जो जो कि प्रिंट डिसेबल्ड है, तो उनके लिए ये एक बड़ी समस्या रही है एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। ये सारे लोगों को किताबें चाहिए किसी और फॉर्मेट में, प्रिंट फॉर्मेट में नहीं चाहिए, तो उनको हम एक तरह से अल्टरनेट फॉर्मेट या एक्सेसिबल फॉर्मेट कह सकते हैं। और एक ये देखा गया है कि हमारे जैसे देशों में केवल 1% किताबें ही एक्सेसिबल फॉर्मेट में कन्वर्ट की गई हैं, और डेवलप्ड कंट्रीज में भी कुछ समय पहले तक ये परसेंटेज केवल 5% ही था, कि केवल 5% किताबें अवेलेबल थी ऐसे प्रिंट डिसेबल लोगों को पढ़ने के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि इसका प्रिंट डिसेबल लोगों के एजुकेशन पे, उनकी एम्प्लॉयमेंट प्रॉस्पेक्ट्स पे और उनकी ओवरऑल पर्सनैलिटी पे एक बहुत बड़ा एक नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। तो इसको एक बुक फैमिन कहते हैं कि किताबों का काल है, और इसके बारे में जो डिसेबिलिटी ग्रुप्स हैं, वर्ल्ड ब्लाइंड यूनियन और दूसरे लोग काफ़ी कैंपेन करते रहे हैं इसके बारे में कुछ किया जाना चाहिए। और अब तो कई कानूनी भी ये बहुत ज़रूरी है सरकारों के लिए, संस्थाओं के लिए, इसके बारे में कुछ किया जाए।
इंक्लूसिव एजुकेशन होता है वहाँ पे, डिसेबल स्टूडेंट्स नॉन डिसेबल स्टूडेंट्स के साथ स्कूल्स कॉलेज में पढ़ते हैं, तो उनको भी वही किताबें चाहिए, सेम टाइम पे चाहिए, और इसकी ज़रूरत पहले से अब कहीं ज़्यादा है। तो किताबों को एक्सेसिबल फॉर्मेट में प्रोवाइड करने के लिए कुछ फॉर्मेट्स पहले से चलन में है, आप सब लोग कई लोग जानते हैं, इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि ब्रेल बुक्स, ऑडियो बुक्स, लार्ज प्रिंट बुक्स, तो ये तो है ही है। और अब हम जो जिस कैटेगरी के बारे में आज ज़्यादा बात करने वाले हैं वो कह सकते हैं हम ई बुक्स या कई बार ई टेक्स्ट या सॉफ्ट कॉपी में बुक्स, उसके बारे में। तो सबसे पहली बात तो ये है कि पिछले कई सालों में असिस्टिव टेक्नोलॉजीज में काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है। अभी भी बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि ई बुक की बात डिसेबल्ड के लिए करें ही क्यों, डिसेबल्ड लोग तो कंप्यूटर, स्मार्टफोन, इंटरनेट तो शायद इस्तेमाल ही नहीं कर पाते होंगे। लेकिन ये बात अब बहुत पुरानी बात हो गई। अब कई शायद दो दशकों से ब्लाइंड, लो विजन और दूसरे डिसेबल्ड बड़ी आसानी से इंडिपेंडेंटली कंप्यूटर्स और स्मार्टफोन, इंटरनेट, इन सब का अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं, ई बुक्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि ये सभी चीज़ें इनको स्टैंडर्ड्स के साथ बनाया गया हो, इनको जो गाइडलाइंस हैं उनका पालन करते हुए बनाया गया हो। अगर ऐसा हो तो वो लोग आसानी से इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब एक और बात, एक और फोटोग्राफ मैं लोगों को स्क्रीन पर दिखाना चाह रहा हूँ, इसके जरिए भी एक इम्पॉर्टेंट मैसेज मिलता है। तो यहाँ पे स्क्रीन पे एक टॉयलेट पेपर रोल है, टॉयलेट पेपर रोल, और वो प्रिंटेड है, छपा हुआ है। तो हम जनरली पूछते हैं अपने वर्कशॉप्स में साइटेड पार्टिसिपेंट से, मेन स्ट्रीम ऑडियंस से, कि अगर आपको आपकी किताबें इस फॉर्मेट में मिलती, एक पेपर रोल के रूप में, तो आपको क्या पढ़ने में सुविधा होती या असुविधा होती? तो बहुत जल्दी जवाब आता है कि बहुत ही असुविधा होती। अगर पेजेस में किताब ना बनी हो और ऐसे पेपर रोल में हो तो किसी भी चैप्टर पे जाना, किसी पेज को ढूंढ के पढ़ना, ये तो बहुत ही टाइम टेकिंग हो सकता है, बहुत ही असुविधा हो सकती है। तो ऐसी बहुत सी टेक्नोलॉजीज हैं जिससे डिसेबल्ड इंडिपेंडेंटली सारा काम कर सकते हैं, और इस वजह से हमें अब ज़रूरत है डिजिटल बुक्स के बारे में सोचने की। तो जब हम डिजिटल या ई बुक्स की बात करते हैं तो ये बात भी बहुत ज़रूरी है कि ई बुक को पढ़ने का जो एक्सपीरियंस है डिसेबल व्यक्ति के लिए भी वैसा ही हो जैसा नॉन डिसेबल के लिए है। तो अभी अभी हमारे यहाँ पे आम लोग कोई प्रिंट बुक उठाते हैं, उसका टेबल ऑफ कॉन्टेंट देखते हैं, जो भी चैप्टर टॉपिक पढ़ना हो उसका पेज नंबर देखा और जल्दी जल्दी पेज पलट के वहाँ पहुँच गए, उसको जितना चाहे पढ़ना रोकना हो तो वहाँ पे एक बुकमार्क या डाल दिया या पेज का कोना मोड़ दिया और अगले दिन बहुत ही सुविधा से उसी जगह से दोबारा पढ़ना शुरू कर सकते हैं। तो ये सारी सुविधा जो प्रिंट डिसेबल लोग हैं उनको भी मिलनी चाहिए। सिर्फ एक ऐसा डिजिटल मटेरियल दे देना काफ़ी नहीं है कि भाई आप उसको शुरू से अंत तक पढ़ो, ऐसा तो कोई करता नहीं कि कोई किताब ली उठाई तो शुरू से एंड तक पढ़ा, लोगों को सुविधा चाहिए। तो कौन सा फॉर्मेट चुना जाए या ईपब की डेवलपमेंट कैसे हुई और ईपब को के बारे में हम बात क्यों कर रहे हैं, उससे पहले ये बात करते हैं कि ईबुक्स में या डिजिटल फॉर्मेट में क्या क्या सुविधा होना चाहिए। किसी एक फॉर्मेट को प्रमोट करने का कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, बेसिकली लोगों की जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल होनी चाहिए। तो किसी भी डिजिटल फॉर्मेट से जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसमें सबसे पहला है उसमें नेविगेशन की सुविधा, यानी कि किताब जिस भी स्वरूप में हो लोगों के लिए जो उसे पढ़ रहे हैं उनके लिए संभव हो कि वो किसी भी चैप्टर, सब सेक्शन या किसी भी फुटनोट, किसी भी चीज़ पे, टेक्स्ट बॉक्स पे डायरेक्ट जंप कर सकें, जो वो पढ़ना चाहते हैं, जहाँ वो जाना चाहते हैं वो बड़ी आसानी से जा सकें, इसमें टाइम वेस्ट ना हो। तो ऑडियो बुक के ज़माने के लोग इस बात से रिलेट करेंगे कि ऑडियो बुक में जो कैसेटों पे होती थी उनमें खास करके ये सुविधा नहीं थी, और बहुत सी आज की ऑडियो बुक्स में भी ये सुविधा नहीं होती है, आपको काफ़ी रिवाइंड फॉरवर्ड वगैरह करके अपनी जहां आप चाहते हैं वहां जाना होता है। तो मैं ये बात कर रहा हूँ कि वो सुविधा ना हो बल्कि बहुत अच्छी सुविधा हो,
ऐसा फॉर्मेट लोगों को चाहिए। इसके साथ साथ एक और बड़ी बात कि हम जब कोई ईबुक बनाने के बारे में सोचें तो क्यों ना ये सोचें कि वो सबके लिए हो, केवल ब्लाइंड व्यक्ति के लिए एक अलग फॉर्मेट, लो विजन के लिए अलग, साइटेड लोगों के लिए अलग, या कोई डेफ ब्लाइंड है उसके लिए अलग, ऐसा ना सोचें, ऐसा हो भी नहीं पाएगा। तो ईबुक ऐसा चुना जाए, ईबुक का फॉर्मेट जो कि उसे आईज, ईयर्स और फिंगर्स तीनों तरीके से पढ़ा जा सके। तो लोग अगर कोई ब्लाइंड है तो वो अपनी असिस्टिव टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके चाहे तो किताब को सुन ले, यानी कि कानों से पढ़ ले। कोई अगर किसी को अगर पसंद है तो वो ई बुक को फौरन बड़ी आसानी से ब्रेल में कन्वर्ट कर ले और छू कर पढ़ ले, यानी फिंगर से पढ़ ले। और अगर कोई लो विजन है तो चाहे तो मैग्नीफाई करके पढ़ ले, या कोई दूसरा डिसेबल्ड है जिसको कि आईसाइट की कोई प्रॉब्लम नहीं है तो सीधा आंखों से पढ़ ले। तो अगर एक बेहतरीन फॉर्मेट चाहिए और सबके लिए चाहिए तो उसमें यह सुविधा भी होनी चाहिए कि रीडिंग बाय आईज, ईयर्स एंड फिंगर्स। एक और सुविधा जो डिजायरेबल है, जो होनी चाहिए, एक्सेसिबिलिटी के लिए काफी महत्वपूर्ण है, वो ये कि जितने पिक्चर्स फोटोग्राफ्स किताबों में होते हैं, इमेजेस जो होते हैं, उनका डिस्क्रिप्शन अवेलेबल हो। जो असिस्टिव टेक्नोलॉजी है, स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर, टेक्स्ट टू स्पीच, ये जो शब्द है उनको तो आवाज में बदल सकता है, लेकिन जो फोटो वगैरह है, चार्ट, ग्राफ वगैरह है, उनको तो डिस्क्राइब नहीं कर सकता। तो किताब बनाने वाले को चाहिए कि उसका डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करें, और जो किताब का जो फॉर्मेट हो, जो ई बुक हो, उसमें ये सुविधा हो कि पिक्चर्स का डिस्क्रिप्शन डालने की सुविधा हो और उसको पढ़ने की सुविधा हो। तो ये तीन मेन रिक्वायरमेंट्स हैं, नेविगेशन की, अलग अलग तरीके से किताब को पढ़े जाने की सुविधा, और इमेज डिस्क्रिप्शन की सुविधा। तो अब अगर हम ये देखें कि इस समय ई बुक बनाने के लिए जो फॉर्मेट पॉपुलर है, अवेलेबल है, काफी इस्तेमाल होते हैं, उनमें से किस में ये सुविधा है, तो सबसे ज्यादा चलन में है पीडीएफ। तो आमतौर से कोई भी डॉक्यूमेंट हो, रिपोर्ट वगैरह, किताब वगैरह, तो उसका पीडीएफ फाइल में कन्वर्ट करके उसको इंटरनेट पे, वेबसाइट वगैरह पे डाल दिया जाता है। तो पीडीएफ के बारे में ऐसा है कि वो एक फिक्स्ड लेआउट फॉर्मेट है, यानी कि उसमें उसकी डिजाइन की वजह से कुछ कुछ लिमिटेशंस हैं, जैसे कि उसमें जो फॉन्ट साइज नहीं बढ़ा सकते आप, फॉन्ट का कलर वगैरह नहीं बदल सकते, लाइन स्पेसिंग वगैरह नहीं बदल सकते। पीडीएफ को अगर एक छोटी स्क्रीन पे, मोबाइल स्क्रीन पे खोलेंगे तो साइटेड लोगों को भी पढ़ने में बड़ी सुविधा होगी, और बहुत जूम वगैरह बार बार करना पड़ता है, इस वजह से पीडीएफ में कुछ लिमिटेशंस हैं। पीडीएफ को एक्सेसिबल बनाने पे बहुत काम किया गया है और कुछ पॉसिबिलिटीज हैं उसमें, लेकिन पीडीएफ के साथ एक बात और है कि पीडीएफ बनाने वाला जैसा चाहे वैसा बना दे, उसमें बहुत वैरायटी होती है। तो आप सब लोग जानते होंगे या आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि कोई तो पीडीएफ ब्लाइंड व्यक्ति आसानी से पढ़ लेता है और कोई कोई पीडीएफ बिल्कुल भी नहीं। इसके साथ ही साथ एचटीएमएल फॉर्मेट है, एचटीएमएल यानी जो वेबसाइट की फॉर्मेट होती है, वो काफी सुविधाजनक हो सकती है, लेकिन एचटीएमएल किताब बनाने के लिए उपयुक्त नहीं है। एचटीएमएल यानी कि एक वेब पेज, एक लंबा सा पेज होता है, वो किताब की तरह अलग अलग सेक्शंस में, पेजेस में बटा हुआ नहीं होता, इसलिए किताब बनाकर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इतना उपयुक्त नहीं माना जाता। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फॉर्मेट काफी अच्छा माना जाता है, काफी पॉपुलर है लोगों में, लेकिन दरअसल ये एक वर्ड प्रोसेसिंग यानी टाइपिंग और एडिटिंग का फॉर्मेट है। हम किताब अगर इस फॉर्मेट में बांटें तो जाने अनजाने लोगों से उसका कुछ टेक्स्ट डिलीट हो सकता है या उसका टेक्स्ट बदला जा सकता है। तो आंसर क्या है कि ई बुक सबसे बढ़िया, सबसे ज्यादा सुविधाजनक इस वक्त इस फॉर्मेट में अवेलेबल कराया जाता है या कराया जा रहा है? तो उसके आंसर है, एक तो ईपब, या हम कह सकते हैं दूसरा जो इससे पहले आया था वो है डेजी फॉर्मेट। तो डेजी और ईपब दो ऐसे फॉर्मेट हैं जिनमें सारे गुण हैं, जो सारी क्षमताएं हैं जिसके बारे में हमने अभी बात की। तो अब थोड़ी सी बात करते हैं ईपब की हिस्ट्री की, कि तो प्रिंट डिसेबल लोगों के लिए
200 साल पहले ब्रेल का आविष्कार हुआ और अब से आप कह सकते हैं 30-40-50 साल पहले के समय से ऑडियो बुक्स वगैरह काफी चलन में आ गई और जो एनजीओज वगैरह हैं वो बना रहे थे इनके लिए किताबें या तो ब्रेल में या ऑडियो में या किसी और ई बुक फॉर्मेट में। तो लेकिन हो क्या रहा है कि ये जो एनजीओज वगैरह हैं या कुछ सरकारी संस्थाएं हैं ये सारी किताबें कन्वर्ट नहीं कर पा रही हैं। किताब कन्वर्ट करने का प्रोसेस टाइम टेकिंग होता है और उसमें काफ़ी समय लगता है, उसमें खर्च भी होता है काफ़ी। तो जितनी देर में वो कुछ इम्पोर्टेंट टेक्स्ट बुक कन्वर्ट करते हैं उतनी देर में देश में सैकड़ों हजारों किताबें और छप जाती हैं। ऐसे में सारी किताबों को कन्वर्ट करना या न्यूज़पेपर्स कन्वर्ट करना या मैगजीन कन्वर्ट करना तो करीब करीब असंभव सा ही माना जाता है। और होता क्या है, इसका रिजल्ट क्या है कि जो डिसेबल व्यक्ति हैं उनको बहुत थोड़े से किताब मिलते हैं। तो अभी जो चल रहा है वो ये है, जैसे मैं स्क्रीन पर दिखाना चाहता हूँ कि किताब बनाने की एक तरह से दो समानांतर प्रक्रिया चलती रहती है। एक तो जो प्रकाशक है, पब्लिशर है, वो किताब बनाकर मार्केट में डालते हैं और वो उस वक्त डिसेबल व्यक्ति का बिल्कुल नहीं सोचते, वो आम पब्लिक के लिए एक प्रिंटेड किताबें वगैरह डालते हैं मार्केट में। किताब के मार्केट में आने के बाद कोई संस्था प्रिंट डिसेबल व्यक्तियों के लिए उसको किताब को लेकर कई बार उसका टाइपिंग करती है, एडिटिंग करती है, कई बार रिकॉर्डिंग करती है और एक प्रिंट डिसेबल लोगों के उपयुक्त, ब्लाइंड लो विजन के उपयुक्त एक और बार वो किताब बनाती है। यानी किताब का दो बार प्रकाशन होता है आप कह सकते हैं। और आप समझ सकते हैं कि इस वजह से काफी आप कह सकते हैं कि रिसोर्सेज का डुप्लीकेशन हो रहा है या वेस्टेज हो रहा है और जो जो यूजर्स हैं, जो किताब पढ़ने वाले हैं, उनको किताब काफी देर से मिल रही है। मार्केट में आई उसके कई बार 3 महीने बाद, कई बार 6 महीने बाद, और हमारे कई ब्लाइंड पार्टिसिपेंट्स तो जानते होंगे कि शायद एग्जाम से पहले कभी कभी उनको अपनी किताबें मिलती हैं। इसके बारे में डेजी कंसोर्टियम जो एक संस्था है इंटरनेशनल लेवल पे, उसने काफी सोचा, काफी कुछ इसके बारे में किया। तो शुरुआती तौर पे क्या किया गया कि एक स्पेशल फॉर्मेट बनाया गया डेजी नाम का, खास तौर से प्रिंट डिसेबल के लिए, जिसमें सारी खूबियां थी, सारी सुविधाएं थी और पूरी दुनिया भर में बहुत सी संस्थाओं ने अपनाया और किताबों को धीरे धीरे डेजी फॉर्मेट में कन्वर्ट करने लगे और लोगों में बांटने लगे। हमारे कंट्री में भी बड़े पैमाने में ये काम हो रहा है। तो इससे ये होने लगा कि किताब कम से कम बेहतर क्वालिटी की बनने लगी, लेकिन किताबों की संख्या अनफॉर्चुनेटली बहुत ज्यादा नहीं बढ़ पाई, क्योंकि जैसे पहले के ब्रेल ऑडियो या कोई और तरह के बुक बनाने में टाइम लगता था, वैसा ही टाइम डेजी बुक में भी लगता है। तो अब स्ट्रैटेजी बदली गई है, अब सोचा गया है कि इंक्लूसिव पब्लिशिंग होनी चाहिए। इंक्लूसिव यानी कि क्यों ना किताब जब पहली बार बने तो वो खुद ही ऐसे फॉर्मेट में हो कि सबके लिए इस्तेमाल के लायक हो, सब लोग उसको इस्तेमाल कर सके। तो ये कैसे होगा, इसको करने के लिए एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी कुछ सालों में सामने आई है और वो है आप कह सकते हैं डिजिटल बुक रेवोल्यूशन या ई बुक रेवोल्यूशन, या बहुत सिंपल बात करें तो जैसे इंडिया में भी आप जानते हैं कि डिजिटल इंडिया जैसा कार्यक्रम चल रहा है और इन दिनों कोरोना के काल में तो सब कुछ डिजिटल हो रहा है। डिजिटल की इम्पोर्टेंस हम समझ रहे हैं, हर सुविधा, हर 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 जानकारी डिजिटल तरीके से ही आदान प्रदान हो रही है। तो ये सोचा गया कि क्यों ना किताबें, प्रकाशक जो है वो अपने आप भी आजकल की वो खुद भी सोच रहे हैं कि किताबों को सॉफ्ट कॉपी बनाकर वेबसाइट पे डालें और बेचें, तो क्यों ना हम उसी का फायदा उठाएं और उसी सॉफ्ट कॉपी में एक्सेसिबिलिटी की सारी जो जो फीचर्स हैं वो डाल दें, तो वेबसाइट से कोई आम व्यक्ति भी किताब ले ले और साथ ही साथ डिसेबल व्यक्ति भी ले ले और वो भी पढ़ ले। तो ये सोच करके ईपब का आप कह सकते हैं कि ईपब डिसेबल लोगों के लिए रेलेवेंट बना। दरअसल ईपब जो पब्लिशर्स हैं उनका अपना फॉर्मेट है, उनके द्वारा बनाया गया है, मेन स्ट्रीम फॉर्मेट है। अब से करीब 7-8 साल पहले ये हुआ कि डेजी कंसोर्टियम और दूसरे डिसेबल ग्रुप्स ने
पब्लिशर्स के ग्रुप से बात की, उनसे कहा कि भाई आपका जो ईपब फॉर्मेट है उसको उसको अपडेट किया जाए और उसमें सारी एक्सेसिबिलिटी की फीचर्स, डेली की फीचर्स डाल दिए जाए, क्यों ना डाल दिए जाए, जिससे कि आपकी किताब सबके लिए उपयोगी हो जाएगी। और ये हुआ और ईपब वर्जन 3 आया, ईपब 3। तो ईपब 3 वर्जन में एक तो ये बहुत ही एडवांस्ड फॉर्मेट है, इसमें इसमें आपके फोटो के साथ साथ ऑडियो वीडियो भी इंक्लूड किया जा सकता है, इसमें एनिमेशन वगैरह इंटरैक्टिविटी वगैरह भी डाला जा सकता है। कोई चाहे तो एक बहुत ही एडवांस टाइप का ईपब बना सकता है, जैसे कि एग्जाम के क्वेश्चन पेपर तक ईपब में बना सकता है, या कोई चाहे तो एक सिंपल सा ईपब भी बना सकता है। और अच्छी बात यह है कि जो डेजी बुक में जो भी सुविधाएं मिलती थी वो ईपब में वो भी मिलती हैं, चैप्टर पेज वगैरह पे डायरेक्ट नेविगेशन की सुविधा, स्क्रीन रीडर से पढ़ने की सुविधा, उसमें स्क्रीन मैग्निफिकेशन वगैरह सब कुछ, कलर चेंज सब कुछ हो सकता है। और साथ ही साथ ईपब जो है वो हर जगह काम करता है, किसी भी कंप्यूटर पे काम करेगा, वो विंडोज कंप्यूटर हो या एप्पल वाला कंप्यूटर हो, कोई भी हो, साथ ही साथ कोई भी मोबाइल फोन पे भी काम करता है। और ईपब पढ़ने के लिए कई तरह के स्पेशल हार्डवेयर डिवाइस वगैरह भी बनाए गए हैं। और तो ईपब का धीरे धीरे ऐसा हुआ कि पूरी दुनिया में बहुत अच्छा एडॉप्शन हुआ है। अब बड़े बड़े बुक सेलर्स, इंटरनेशनल पब्लिशर्स जैसे कि अमेजॉन, किंडल, एप्पल, गूगल, ये सभी लोगों ने, और इसके अलावा कई और बड़े बड़े पब्लिशर्स ने, वो जो लोग अपनी ई बुक कोई पीडीएफ या कोई अपना फॉर्मेट वगैरह में बनाते थे, सब ने अब ईपब फॉर्मेट अपना लिया है। और इसकी वजह से ये हुआ है कि अब आज की डेट में जो मैं कह रहा था कि 1% किताब अवेलेबल, वो मैं कहना चाहिए 1% अवेलेबल थी, अब सडनली वो परसेंटेज बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आज की डेट में भी आप में से जो भी प्रिंट डिसेबल्ड हैं वो कई सर्विसेज का इस्तेमाल करके लाखों, मतलब 10, 20, 40, 50 लाख जैसे नंबर में किताबें खुद डाउनलोड करके और पढ़ सकते हैं। वो इसलिए हुआ है कि वो सब किताबें ईपब फॉर्मेट में है। तो मैं अपनी बात जल्दी ही ख़त्म करता हूँ और लोगों को मौका देता हूँ, और मैं क्वेश्चंस के लिए अवेलेबल रहूँगा। तो ईपब, जो ईपब 3 फीचर, ईपब 3 में जैसा मैंने बताया कि सभी तरह की एक्सेसिबिलिटी फीचर्स हैं, और अब इन दिनों जैसे डेजी फोरम ऑफ इंडिया है, हम कोशिश करते हैं कि इंडिया में पब्लिशर से बात करें, इंडिया में जो टेक्स्ट बुक छापने वाली अलग अलग सरकारी एजेंसीज है उनसे बात करें और उनको उनको कन्विंस करें कि आप लोग जो किताबों को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में बदल कर अपने अपने वेबसाइट पे डाल रहे हैं और आप ई पुस्तकालय जैसी चीज़ें बना रहे हैं, ई ज्ञानकोश जैसी चीज़ें बना रहे हैं, ई पाठशाला जैसी चीज़ें बना रहे हैं, तो उसमें भी ईपब का इस्तेमाल कीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो वहाँ से किताबें लेकर डिसेबल व्यक्ति भी डायरेक्टली आसानी से पढ़ पाएगा, कोई कन्वर्जन की जरूरत नहीं होगी, किताब पहले दिन ही सभी को उपलब्ध होगी, कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट किसी को नहीं देना पड़ेगा। तो इसके साथ ही साथ तो एक बात और ये ध्यान में लाना जरूरी है कि क्या ईपब के आने से बाकी जो जितने फॉर्मेट हैं क्या उनका कोई अब मतलब नहीं रह गया है? तो ऐसा नहीं है, उनकी ज़रूरतें अभी भी है। जैसे कई लैंग्वेजेस हैं जिनके लिए अभी असिस्टिव टेक्नोलॉजी पूरी तरह से डेवलप नहीं है, तो उन लैंग्वेज की किताबों को अभी भी ऑडियो बुक वगैरह बनाना ज़रूरी है। मैथ साइंस वगैरह हैं, टेक्टाइल डायग्राम्स वगैरह जैसी चीज़ें हैं, इन सब के लिए अभी भी ब्रेल वगैरह और टेक्टाइल डायग्राम्स वगैरह सब तरह की किताबें जो हैं वो अभी भी रेलेवेंट हैं। और आगे भी ऐसा होगा कि बहुत सी मेनस्ट्रीम किताबें तो ठीक है ईपब में बनाई जाएं, लेकिन ऐसा हो सकता है कि उनमें से कई किताबों को एडिशनली अलग फॉर्मेट में भी बनाना पड़े एडिशनल सपोर्ट के लिए, और ख़ास करके कुछ डिसेबिलिटीज के लिए, कुछ ग्रुप्स के लिए। तो ये है ईपब के बारे में ब्रीफली, ईपब क्या है और क्यों रेलेवेंट है। और आई थिंक मैं अपने बात यहीं तक रखता हूँ चेतना जी, और आगे आई थिंक आप लोग ईपब का डेमोंस्ट्रेशन देख सकते हैं
और इंडिया में कैसे कैसे ईपब इस्तेमाल हो रहा है और कहाँ कहाँ से मिलता है, ये भी आप लोग आगे जान सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत, क्योंकि आपसे हम बहुत सालों से जुड़े हैं और आपके माध्यम से हमेशा ही हमें मार्गदर्शन मिलता रहा है और बहुत ही आवश्यक जानकारी हमें मिलती रही है, तो बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर आपका। और अब मैं अगले सत्र के लिए श्री संतोष खरे जी को बुलाना चाहती हूँ। आप वर्तमान में डेयरी फोरम ऑफ इंडिया के साथ सुगम्य पुस्तकालय के मैनेजर के तौर पर कार्य कर रहे हैं और पिछले 20 वर्षों से दृष्टिबाधित व्यक्तियों और सामान्य विद्यालयों के शिक्षकों को एक्सेसिबिलिटी का प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं और साथ ही राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न संस्थाओं को एक्सेसिबल फॉर्मेट में पुस्तक निर्माण में ट्रेनिंग देने का कार्य कर रहे हैं। आपने मुद्रित सामग्री को ईपब पुस्तक में परिवर्तित करने के कई प्रशिक्षण कार्य किए हैं और कई आपने प्रिंट मटेरियल को ईपब में कन्वर्ट भी किया है, तो आज आप हमें जानकारी देंगे कि ई बुक को कैसे पढ़ा जाता है, कंप्यूटर पर, मोबाइल पर या ई बुक रीडर पर। बहुत बहुत स्वागत है संतोष सर आपका। चेतना जी धन्यवाद, और पंकज जी का भी धन्यवाद कि उन्होंने आज मुझे मौका दिया इस वेबिनार में शामिल होने के लिए। और मैं तीन चीजों के ऊपर बात करूंगा कि ईपब किताबों को मोबाइल पर हम कैसे पढ़ सकते हैं, उसके लिए हमारे पास में कौन कौन से टूल्स या एप्स उपलब्ध हैं, इसी तरह ईपब किताबों को कंप्यूटर पे पढ़ने के लिए हमारे पास में कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स हैं, और तीसरी बात जो ईपब किताब को अगर ब्रेल के साथ में पढ़ना है तो वो हमारे साथी निर्मल जी आपके साथ में चर्चा करेंगे। तो मैं अपना एक छोटा सा प्रेजेंटेशन है उसको शुरू कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, जैसा कि प्रशांत सर ने भी चर्चा करी, कि ईपब किताबें जो हैं उसको हम तीनों तरीके से पढ़ सकते हैं। हम उसको आँखों से पढ़ सकते हैं, मतलब अगर लो विजन है या नॉर्मल आई साइट है तो हम उसके टेक्स्ट को बड़ा करके कंप्यूटर पर या मोबाइल पर पढ़ सकते हैं। हम उन किताबों को साथ साथ में अगर चाहें तो टेक्स्ट टू स्पीच सॉफ्टवेयर की मदद से उनको सुन भी सकते हैं, और अगर हम चाहें तो उसको उंगलियों की सहायता से मतलब ब्रेल लिपि में भी पढ़ सकते हैं। तो इस स्लाइड में तीन पिक्चर्स डली हुई हैं, जिसमें पहले पिक्चर्स में जो एक यूजर हैं वो डेजी प्लेयर का यूज करके ईपब बुक्स को पढ़ रहे हैं, दूसरी पिक्चर में जो यूजर हैं वो कंप्यूटर पर ईपब बुक को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, और तीसरी पिक्चर में ब्रेल डिस्प्ले के माध्यम से मतलब ब्रेल लिपि में पुस्तक को पढ़ा जा रहा है। तो अगर हम ईपब बुक को आँखों के द्वारा पढ़ना चाहते हैं तो हमारे पास में दो चीजें उपलब्ध हैं, जैसे कंप्यूटर पर हम उसको पढ़ सकते हैं और स्मार्टफोन पर भी हम उसको पढ़ सकते हैं। इसी तरह से अगर हम ईपब बुक्स को सुनना चाहते हैं तो इसमें एक नई चीज और जुड़ जाती है, कंप्यूटर स्मार्टफोन के साथ में हम डेजी प्लेयर का भी उपयोग कर सकते हैं ईपब किताबों को पढ़ने के लिए। यहाँ पर स्क्रीन पर एक E10 डेजी प्लेयर का चित्र दिख रहा है। इस E10 प्लेयर में एक सुविधा ये भी होती है कि ये वाईफाई इनेबल्ड होता है, और जो हमारी ऑनलाइन लाइब्रेरीज हैं वहां से हम सीधे ही किताबों को इस प्लेयर में डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। और ये तीसरे चित्र में एक रिफ्रेशेबल ब्रेल डिस्प्ले दिखाया गया है जिसमें कि हम उंगलियों के माध्यम से किताबों को पढ़ सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इनको पढ़ने के लिए अगर हम कंप्यूटर्स पे पढ़ना चाहते हैं तो हमारे पास में कौन कौन से टूल्स या सॉफ्टवेयर हम बोल सकते हैं उपलब्ध है। तो सबसे पहले नंबर पर यहाँ पर जिसका हमने आज डिमॉन्स्ट्रेशन करेंगे तो उस सॉफ्टवेयर का नाम है वाइटल सोर्स बुक सेल्फ। इसकी मदद से हम ईपब बुक्स को पढ़ सकते हैं। एक और दूसरा सॉफ्टवेयर है एडोब डिजिटल एडिशन। इसके अलावा अजाइडी नाम से भी एक सॉफ्टवेयर होता है, और अगर हम विंडोज 10 यूज कर रहे हैं तो थोरियम रीडर का उपयोग करके भी हम ईपब किताबों को पढ़ सकते हैं। ये जो शुरू के चारों सॉफ्टवेयर हैं, वाइटल सोर्स बुक सेल्फ,
Adobe Digital Edition, Azide या Thorium Reader, ये सभी फ्री हैं। इसके अतिरिक्त एक और पेड सॉफ्टवेयर भी है Easy Reader के नाम से, जो कि कंप्यूटर में अगर हम उसको इंस्टॉल करना चाहते हैं तो उसका लाइसेंस हमें लेना पड़ता है, तो वो भी एक बढ़िया सॉफ्टवेयर है, उसका भी हम लोग उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम देखें कि स्मार्टफोन के लिए हमारे पास में कौन कौन से ऐप हैं, वैसे तो बहुत सारे ऐप हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर सिर्फ जो ज़्यादा उपयोग में लाए जाते हैं यूजर्स के द्वारा, जिन ऐप का ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, तो तीन ऐप का नाम मैं यहाँ पर लिखा हुआ है। और इसमें से सिंपली रीडिंग ऐप का हम लोग अभी डिमॉन्स्ट्रेशन भी करेंगे कि कैसे सिंपली रीडिंग ऐप का यूज़ करके ईपब किताबों को पढ़ सकते हैं। सिंपली रीडिंग ऐप है, दूसरा कीबो के नाम से एक और ऐप है, और तीसरा इजी रीडर है। तो अगर इजी रीडर ऐप हम स्मार्टफोन पे यूज़ करना चाहते हैं तो ये फ्री है, iOS के लिए भी उपलब्ध है और एंड्रॉयड फ़ोन के लिए भी उपलब्ध है। तो ये एक बेसिक है कि कहाँ कहाँ पर किस तरह से कंप्यूटर या मोबाइल पर हम ईपब किताबों को पढ़ सकते हैं। अब हम शुरू करते हैं एक डिमॉन्स्ट्रेशन छोटा सा ईपब किताब को पढ़ने का। तो इसके लिए जो सॉफ्टवेयर हम यूज़ करेंगे वो है वाइटल सोर्स बुकसेल्फ, और इसके साथ हम किताब को पढ़ेंगे। तो अब मैं वाइटल सोर्स बुकसेल्फ शुरू कर रहा हूँ। तो अभी मैंने एक किताब है जिसका नाम है मिली के बाल, उस किताब को मैंने वाइटल सोर्स बुकसेल्फ में ओपन करके रखा है। और सिंपल मैं यहाँ पर जो TTS के माध्यम से, पहले मैं इसको पढ़ के नहीं बता रहा हूँ, इसको हम सीधे ही ऑडियो में सुनना चाहते हैं, ये ईपब बुक है, तो स्टार्ट रीडिंग बटन प्रेस कर रहा हूँ। तो चलिए इसमें, क्योंकि मैं आपको वर्बली बता देता हूँ, स्क्रीन पे आप किताब को तो देख पा रहे होंगे जो खुली हुई है, यहाँ पर जूम बटन रहता है, तो इससे हम इसको किताब को बड़ा कर लेते हैं, और लेफ्ट हैंड साइड में किताब के पूरे हमको कंटेंट दिख रहे हैं कि कौन कौन से अध्याय हैं। टेबल ऑफ कंटेंट बना हुआ है, जिस भी अध्याय पर हम जाना चाहते हैं उस पर हम सीधे पहुंच सकते हैं। और मैं इसको MVDA के साथ चालू करके देखता हूं, अगर MVDA के साथ में ये मुझे सुनाई दे। टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से मैं आपको अपने TTS की आवाज़ नहीं सुनवा पा रहा था। तो इसी किताब को पढ़ने के लिए जो अदर सोर्सेज हमारे पास में अवेलेबल हैं, जैसे कि डेजी प्लेयर होता है, मेरे वीडियो में आप डेजी प्लेयर देख पा रहे होंगे, तो हम इसके साथ में डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं कि ईपब बुक्स को कैसे डेजी प्लेयर के साथ में हम पढ़ सकते हैं। ये एक E5 डेजी प्लेयर है, और अभी मैं इसको शुरू कर रहा हूँ। ये छोटा सा जो हमारा नोकिया वगैरह के मोबाइल होते थे, लगभग उसके जैसा दिखता है, और जब ये शुरू हो जाता है तो अपना मॉडल नंबर वगैरह बता देता है। इसके बाद डाउन एरो की दबाने से ये मुझे बता रहा है कि ये कौन सी किताब पर पहुंचा है, और इंफॉर्मेशन ये फिर से दबाने से टाइम बताता है, बैटरी लेवल पूरा है। और अप डाउन एरो की दबाकर इसकी मेमोरी में हमने जो भी किताबें कॉपी करके रखी हैं ईपब फॉर्मेट में, तो वो हम देख सकते हैं। ये किताब है इंग्लिश विस्टा 12th क्लास के लिए, वो किताब है। इसके अलावा ये कहानी की किताब है आंखें बड़ी या भैंस, ये एक आरओ नाम से किताब है। तो इसी किताब को मैं आपको पढ़ के बताता हूँ इस डेजी प्लेयर में। हेलो, यस सर, यस।
यह पुस्तक ब्रेल प्रेस बिलासपुर द्वारा मुद्रित सामग्री को पढ़ने में अक्षम व्यक्तियों के लिए डिजिटल ध्वन्यांकित पुस्तक मात्र सर्च ब्रेल प्रारूप में तैयार की गई है। यह पुस्तक ये आवाज आ पा रही है जी सर? ओके, तो इसी डेमोन्स्ट्रेशन को हम कंटिन्यू करते हैं क्योंकि ये जरूरी है कि ये जो बोल रहा है आपको सुनाई दे। मैंने अभी ओके दबा के किताब को पॉज कर दिया था। तो जितने भी फीचर्स अभी आपने देखे कि हम पेज वाइज कैसे किताब में नेविगेशन कर सकते हैं, चैप्टर वाइज हम कैसे जा सकते हैं, या एक एक शब्द या एक एक पैराग्राफ पर कैसे हम जंप करके ईपब किताब को पढ़ सकते हैं, वो हम इसमें डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। किताब को फिर से शुरू कर रहे हैं। ये किताब का जो शुरुआत है ये इसको वहां से पढ़ रहा था। अब मैं अगर ये देखना चाहता हूँ कि इस पुस्तक में कौन कौन से चैप्टर्स हैं, तो अप एंड डाउन एरो की दबा के मैं इसका नेविगेशन लेवल सेट करूंगा। जैसे इसने अभी कहा अक्षर, अब अक्षर पे अगर सेट करके मैं राइट एरो अगर दबाता हूँ तो ये एक एक अक्षर को आगे पढ़ के बताएगा। तो अक्षर पे रखकर हम किताब में जो स्पेलिंग्स है उसको देख सकते हैं। वाक्य, पृष्ठ, लेवल तीन, मतलब अगर जो किताब होती है जब हम उसको ईपब फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं, तैयार करते हैं, तो जो मुख्य चैप्टर होता है उसको हम लेवल वन बोलते हैं या हेडिंग लेवल वन बोलते हैं। उस चैप्टर्स के अंदर जो पार्ट होते हैं वो हेडिंग लेवल टू कहलाते हैं, और हेडिंग लेवल टू के जो सब पार्ट्स हैं वो हेडिंग लेवल थ्री कहलाते हैं। तो हम यहाँ पर ये सेट कर सकते हैं कि हमको किताब में किस तरह से मूव करना है। लेवल दो कहा इसने, और अब कहा लेवल वन, मतलब लेवल वन पे मैंने सेट कर लिया है। और अब राइट एरो की प्रेस करने से ये एक एक चैप्टर्स आगे बढ़ेगा। आमुख, पाठ्यचर्या की रूपरेखा, शुरुआत में आमुख है, यह पुस्तक हर पल बदल रहा, पाठ्य पुस्तक निर्माण समिति, ये क्योंकि एक टेक्स्ट बुक है तो जैसा कि आप लोग ने देखा होगा टेक्स्ट बुक में शुरू में पाठ्य पुस्तक निर्माण समिति प्रस्तावना वगैरह दी होती है, तो उन्हीं हेडिंग्स पर ये सीधे मूव कर रहा है। आभार पे आ गए, गद्य खंड, फाइल का अंत, ये गद्य खंड के बाद में सीधे हम फाइल के आखिरी में पहुंच गए। काव्य खंड पे आ जाते हैं। अब काव्य खंड को अगर सुनना है फसले बहार में इन हसरतों से कह दो कहीं और जब बसे इतनी जगह कहाँ है दिले दागदार में एक शाखे गुल पे बैठ के बुलबुल है शादमा कांटे बिछा दिए हैं दिले लाला इंतजार में उम्र दराज मांग के लाए थे चार दिन तो आज उम्मीद कट गए दो इंतजार में दिन जिंदगी के खत्म हुए शाम हो गई फैला के पांव सोए एक ऊंचे। और अब इसी चीज को मैंने कंटिन्यूस रीडिंग करके सुन लिया, और अगर मैं इसको फिर से सुनना चाहता हूँ एक एक वर्ड क्या है तो इसको मैं सेट कर दूंगा शब्द पर। लेवल दो, लेवल तीन, और शब्द पे आने के बाद अब अगर मैं राइट एरो प्रेस करता हूँ तैयार में किसकी बनी है। तो इस तरह से जो हमारे यूजर्स हैं ईपब किताब को जिस तरह से एक साइटेड व्यक्ति पढ़ता है, इसमें बाकी फैसिलिटीज भी होती हैं कि हम इसमें बुकमार्क लगा सकते हैं, इसमें ये फैसिलिटीज भी होती है कि जब हम पुस्तक को बंद करके दूसरी पुस्तक पर जा रहे हैं तो पुस्तक हम शुरू से पढ़ना चाहते हैं यहाँ या जहाँ पर हमने छोड़ा था वहां से हम उसको लेना चाहते हैं, ये भी हम इसमें सेट कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें हम पेजी फॉर्मेट में जो किताबें हैं
उसको भी पढ़ सकते हैं और ये अलग अलग भाषाओं की हिंदी तमिल तेलुगु मलयालम इस तरह से 7 भाषाओं की किताबों को पढ़ के हमको बता देता है। और अब मैं आपको डिमॉन्स्ट्रेट करना चाहूंगा कि किस तरह से अब हम देखते हैं कि मोबाइल पर एक किस तरह से हम किताबों को पढ़ सकते हैं, तो इसके लिए हमने एक छोटा सा वीडियो बनाया हुआ है, उस वीडियो को प्ले करते हैं तो उस वीडियो के माध्यम से हमको पता चलेगा कि मोबाइल पर हम किस तरह से किताबों को पढ़ सकते हैं। तो हमारे पास में जो तीसरा ऑप्शन रहता है जिसके थ्रू हम किताबों को पढ़ सकते हैं वो मोबाइल डिवाइस होती है, जिसमें एक सिंपली रीडिंग ऐप होता है जिसके द्वारा भी हम किताबों को पढ़ सकते हैं। और सिंपली रीडिंग ऐप जो है वो गूगल प्ले स्टोर से हम फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में ये ऐप जो होता है सुगम्य पुस्तकालय के साथ कनेक्टेड है, तो सुगम्य पुस्तकालय से भी अगर हम चाहें तो इस ऐप में किताबों को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इस ऐप में बहुत सारी अलग अलग फैसिलिटीज दी गई हैं, जैसे कि अगर कोई व्यक्ति लो विजन है तो वो इसमें अपना बैकग्राउंड कलर फॉरग्राउंड कलर चेंज करके किताबों को पढ़ सकता है। दूसरा, अगर वो चाहते हैं कि उसको चैप्टर वाइज नेविगेट करना है वो फैसिलिटी इसमें हमको मिल जाती है। इसके साथ ही हम सेंटेंस वाइज या आप कहें कि स्पेलिंग्स वगैरह देखकर भी हम इसको पूरी तरह से पढ़ सकते हैं। इसके साथ में एक और ऐप है जिसका यूज जनरली हमारे यूजर्स बुक्स पढ़ने के लिए करते हैं, वो होता है कीबो ऐप। तो कीबो ऐप के भी साथ आप इसी तरह की फैसिलिटीज होती हैं जिसको हम लोग पढ़ सकते हैं और उपयोग कर सकते हैं। चूंकि ये जो वाइटल सोर्स बुकसेल्फ वगैरह ऐप है इसका साउंड मैं किसी कारण से नहीं दिखा पा रहा हूँ, तो इसमें मैं आपको बुक को बड़ा छोटा करके दिखा सकते हैं कि किस तरह से बुक को हम बड़ा कर सकते हैं और लो विजन पर्सन इसमें इस किताब को पढ़ सकते हैं। अभी स्क्रीन शेयरिंग हो गई है। ये मैंने एक संतोष सर सुन पा रहे हैं आपको हम। ओके ओके, ये किताब मैंने एक यहाँ पर वाइटल सोर्स बुकशेल्फ में ओपन करके रखी है। इस किताब को मैं एनवीडीए के साथ में भी पढ़ सकता हूँ और बिना एनवीडीए के मतलब डायरेक्ट भी चाहे तो इसमें जो स्टार्ट रीडिंग बटन है इसको अगर मैं प्रेस करूंगा तो जो भी मेरे कंप्यूटर में TTS इंस्टॉल्ड है हिंदी का उसमें ये मेरे को कंटिन्यूसली रीड करके बता देगा। और यहाँ पर जो साइड में नेविगेशन बार है जहाँ पर हमने अभी माउस से क्लिक किया है, दोबारा आपका प्रेजेंट कीजिए स्क्रीन, वो थोड़ा सा मेन स्क्रीन से हट गया है। यंत्र के पश्चात बंद हो जाएगा 15 सेकंड। अभी मेरे ख्याल से आपको स्क्रीन दिख पा रहा होगा। तो जी सर, जी सर, हाँ, तो इसमें किताब को जो है हम यहाँ पे नेविगेट करने का आपको तरीके बता देते हैं। देखिए जो हेडिंग्स हैं ये किताब की शुरुआत हो गई, हम उन्हें बा कहते हैं। इसके बाद में एक ये कॉपीराइट नोटिस डाला है, ये भी हेडिंग लेवल 1 पर है। उसके बाद सीधे हम किताब की स्टार्टिंग पे पहुंच जाते हैं, फिर अध्याय 1 पर आ सकते हैं, अध्याय 2 पर आ सकते हैं, अध्याय 3 पर आ सकते हैं, अध्याय 4 पर आ गए और अध्याय 3 के अंदर एक और सब हेडिंग बनी हुई है तो उस पर भी हम इसको मूव करके जा सकते हैं। और NVDA के साथ में जब हम इसको यूज करेंगे तो एक एक लाइन या एक एक पैराग्राफ डायरेक्टली हम पढ़ सकते हैं।
तो अब अगर इस संबंध में आपके कुछ क्वेश्चन हो तो मैं वो ले लेता हूँ। मेरा नाम विरंची नारायण साहू, साइजर भुवनेश्वर से हूँ जी। सर ये जो एनवीडी हम ये जो बता रहे हैं, एक्चुअली मैं थोड़ा लेट ज्वाइन हुआ हूँ, तो सर लैपटॉप के लिए या सिस्टम के लिए है या मोबाइल के लिए बता रहे हैं। और दूसरा क्वेश्चन है, अभी आप जो नेविगेटिंग के लिए बताए एक एक हेडिंग से दूसरे हेडिंग को हम मूव कर रहे हैं जी जी, हम एरो की से कर रहे हैं कि टैब की कर रहे हैं? नहीं, मैं कंट्रोल पेज अप और कंट्रोल पेज डाउन जो है उसका यूज कर रहा हूँ मूव करने के लिए। जी सर, थैंक यू। निर्मल सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, और मैं बताना चाहूंगी कि निर्मल सर के बारे में मैं बताना चाहूंगी कि आप बुकशेयर ऑनलाइन लाइब्रेरी के साथ आपको कार्य करने का एक लंबा अनुभव रहा है, और आपने प्रिंट मटेरियल को एक्सेसिबल फॉर्मेट में बनाने का भी आपको एक अच्छा लंबा अनुभव है। अब निर्मल जी हमें बताएंगे कि ईपब कहाँ कहाँ अवेलेबल है और ईपब पुस्तकें कैसे और कहाँ से प्राप्त की जा सकती है, और भारत में कौन कौन सी ऑनलाइन लाइब्रेरीज है। तो निर्मल सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार आप सभी को, बहुत धन्यवाद है जो प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एक बहुत इंफॉर्मेटिव सेशन को ऑर्गेनाइज किया है, इस सेशन को और पहले आयोजित किया जाना चाहिए। मेरा ख्याल है इसको और भी एक बड़े स्तर पर अगर हम कर पाए तो बेहतर होगा। भविष्य में हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि NIBH इस प्रोग्राम को देश के और कोने कोने लेके जाएगा, बड़े एक समूह को हम जोड़ पाएंगे, ताकि जिन लोगों को भी पुस्तकें नहीं मिल पा रही हैं, लाइब्रेरीज को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, उन सभी लाइब्रेरी का एक्सेस पहुंचेगा। ये नए फॉर्मेट जो कि रिलेटिवली काफी नए हैं, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, तो उन सभी लोगों को शिक्षकों के माध्यम से हम सारे लाइब्रेरी के जो आयोजक हैं, जो हम लाइब्रेरी चलाते हैं, हम लोगों की मदद से, आपकी मदद से ये फॉर्मेट काफी सारे लोगों पर जा सकेगा। क्या मेरा स्क्रीन आप सभी को दिख रहा है? हाँ दिख रहा है सर, दिख रहा है। ओके ठीक है, तो जिन प्रमुख लाइब्रेरीज के बारे में हम चर्चा करेंगे उनके कुछ नाम, हालांकि लिस्ट लंबी है लेकिन मैं उनको सेलेक्टेड की ही चर्चा करूंगा जो भारत में आसानी से उपलब्ध है, जिनकी सदस्यता दृष्टिहीन छात्रों को व्यक्तियों को आसानी से उपलब्ध हो जाती है। पहला है सुगम्य पुस्तकालय बुकशेयर, जिससे कि मैं इसकी शुरुआत से जुड़ा रहा हूँ। archive.org जहाँ पर आपको किताबें मिल जाती हैं, फ्री में डाउनलोड करने के लिए मिल जाती हैं, और बहुत सारे मल्टीपल फॉर्मेट्स में आपको डाउनलोड करने के लिए मिल जाती हैं। गूगल बुक्स और आईफोन पे जो आई बुक्स हैं, ये सारे प्लेटफॉर्म हैं जो अब हमें ईपब फॉर्मेट में हमें किताबें डाउनलोड करने की सुविधा देती हैं। वैसे ही प्रोजेक्ट गुटेनबर्ग, किंडल, लिब्रीवॉक्स, ओपन कल्चर, मयानो माउस, ये सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप जाकर के आप इनको गूगल पे सर्च करके आप यहाँ से, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ से आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जैसे सुगम्य पुस्तकालय, बुकशेयर, गूगल बुक से आपको किताबें खरीदनी पड़ती हैं, किंडल की आपको सदस्यता लेनी पड़ती है। एक जो हमारा फोकस होगा इस प्रेजेंटेशन का कि इन किताबों को हम ब्रेल डिस्प्ले की मदद से कैसे पढ़ सकते हैं, और फोकस ये भी है कि हम इन किताबों को हम उस लाइब्रेरी को सेलेक्ट कर रहे हैं जो जहां से कि जो किताबें हम डाउनलोड करें या जो किताबें हम पढ़ना चाह रहे हैं वो ब्रेल में हम आसानी से पढ़ सकें। तो ब्रेल में एक जो हमारा एक मुद्दा है कि ब्रेल काफी तेजी से इसका जो पढ़ने का स्तर है वो लोगों में काफी घटता जा रहा है, हिंदुस्तान में ही नहीं पूरे विश्व में ये प्रक्रिया लगातार जारी है, और वर्ल्ड ब्लाइंड यूनियन और ऐसे सरीखे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो इसके बारे में काफी चिंतित हैं, और इस पे काम भी काफी चल रहा है। सामान्यतर लोगों को मैं ये बताना चाहूंगा ब्रेल क्यों पढ़ने में अच्छा लगता है, क्योंकि ये असली है। जब हम पढ़ रहे होते हैं तो हम अक्षर, हर एक अक्षर पे हम पढ़ रहे होते हैं, हर
पे जा रहे हैं वो आकर्षक लगता है। मतलब जब मैं खुद भी पढ़ रहा होता हूँ या किसी बच्चे पढ़ा रहा हूँ तो वो बच्चे का, उस बच्चे का पढ़ने का, जब वो पढ़ रहा होता है ब्रेल पुस्तक को, तो उसका रेस्पॉन्स बहुत ही करीब होता है वास्तविक पठन से। और हम अपने आप को उस पुस्तक का एक हिस्सा समझने लगते हैं। मतलब प्राथमिक स्तर पर हो, माध्यमिक स्तर पर हो, या फिर ऊपर के स्तर पर हो, जब व्यक्ति ब्रेल पढ़ रहा होता है तो काफी किताब के साथ उसका इंटरेक्शन काफी हो जाता है। इसके अलावा हम सभी का है, जैसे दृष्टिवान है तो हम शब्दों को देखना पसंद करते हैं, उसी प्रकार से दृष्टिहीन बच्चा जो है वो भी शब्दों को, उसके व्यवहार को देखना पसंद करते हैं, उसके अंदर का व्याकरण, वर्तनी, अल्प विराम, कोष्टक, ये सारे हमारे पढ़ने का हिस्सा है। ऐसे ही इसी संक्रमण में, इसी क्रम में ब्रेल को, जहाँ तक डिजिटली पढ़ने की बात है, तो ऑर्बिट 20 और ब्रेल मी नामक ये जो दो ब्रेल डिस्प्ले हैं, और अभी हाल फिलहाल में आईटी दिल्ली के द्वारा भी एक ब्रेल डिस्प्ले लॉन्च किया जाने वाला है, इन सब में ये काबिलियत की ब्रेल में आप ईपब को पढ़ने की सुविधा कराते हैं। हालांकि आप लैपटॉप से कनेक्ट करते हैं, मोबाइल से कनेक्ट कर सकते हैं, ये सारे ब्रेल डिस्प्ले हो सकता है कुछ सालों में एनआईवीएच के द्वारा, एलिम्को के द्वारा, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए आपके उपलब्ध होने लग जाए। और खास बात ये, अगर इनको तरीके से बचाए, जिस तरीके से उचित बन जाता है, तो आपको ज्ञान को, गणित को, कई विदेशी भाषाओं को आप आसानी से पढ़ सकते हैं। कुछ जो ब्रेल हैं 6 डॉट पर आधारित हैं, कुछ 8 डॉट पर आधारित हैं, जो कि हिंदुस्तान में बहुत प्रचलित नहीं है, परंतु जो ये 8 डॉट अवेलेबल है, तो आप विदेशी भाषाओं को पढ़ सकते हैं, कंप्यूटर पढ़ सकते हैं, केमिस्ट्री के कोडिंग को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सारा कुछ अवेलेबल है। बात कर लेंगे हम थोड़ा सा सुगम्य पुस्तकालय के बारे में। तो सुगम्य पुस्तकालय, जहाँ तक आपको पता है कि NIABH के सहयोग से बना है, और सुगम्य पुस्तकालय प्रिंट विकलांगों के लिए, दृष्टिहीन लोगों के लिए खास करके, पुस्तकों के अकाल को समाप्त करने के लिए TCS, हमने TCS का सहयोग, डेजी फोरम, और NIPVD जो NIABH का नया नाम है, और भी कई सारी हमने इसमें अपनी पुस्तकें जोड़ी हैं। TCS का सहयोग जो है हमें तकनीकी रूप में मिलता रहा, डेजी फोरम ऑफ इंडिया जो इस लाइब्रेरी को, इस पुस्तकालय को ऑर्गेनाइज करने में ब्रेन डेजी फोरम का था, डेजी फोरम के समस्त सदस्यों का था। और यहाँ पर इस लाइब्रेरी में सुविधा यह है कि आपको भारत की लगभग तमाम भाषाओं में पुस्तकें उपलब्ध हैं। आप नॉर्थ ईस्ट में भी की भी आपको बहुत सारी किताबें मिल जाएंगी, आपको ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, आप पूरे हिंदुस्तान की किताबें आपको यहाँ मिल जाएंगी। और एक बेहतरीन चीज ये हुई इसको एस्टेब्लिश करते समय कि आप सुगम्य पुस्तकालय में लॉगिन करके आप भारत की जितनी भी लाइब्रेरीज हैं जो दृष्टिहीनों के लिए, प्रिंट विकलांग लोगों के लिए जो पुस्तकें हैं, आप एक ही प्लेटफॉर्म से लॉगिन करके आप सारी पुस्तकों को देख सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ सुगम्य लाइब्रेरी की बहुत अभी तो बुकशेयर के साथ है, और आने वाले समय में मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ भी और भागीदारी बढ़ेगी। जहां तक सदस्यता का सवाल है, आप DFI किसी भी सदस्य, DFI डेजी फोरम ऑफ इंडिया जो कि लाइब्रेरी ऑफ लाइब्रेरीज है, तो आप उसके किसी भी सदस्य लाइब्रेरी से, सदस्य पुस्तकालय से आप जाकर सुगम्य पुस्तकालय की सदस्यता ले सकते हैं, और यह पूर्णतया निःशुल्क है। कई बार मुझसे दृष्टिहीन बच्चों के शिक्षक भी कहते हैं कि हमें ये पुस्तक चाहिए अपने बच्चे के लिए, हमें डाउनलोड करना है और हम डाउनलोड करके पढ़ करके बच्चों को पढ़ा सकें, पर ऐसा संभव हो नहीं पाता है। ये लाइब्रेरी की मेंबरशिप केवल दृष्टिहीन बच्चों के लिए ही अवेलेबल है।
उसी प्रकार से बुकशेयर जिसका कि हेडक्वार्टर यूएसए में है और तकरीबन 12 सालों से यह हिंदुस्तान में ऑपरेट कर रहा है। और शुरुआत में जब हमने इसको शुरुआत किया था तो उस समय इसका नेचर ये था कि एक क्राउड सोर्स हुआ करती थी, मतलब मैं आप या विश्व के कहीं भी देश में बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति किताब को स्कैन करके बुकशेयर में अपलोड कर सकता था। फिर धीरे धीरे हमने शुरुआत की कि हम इसमें किताबों को प्रूफ रीड करके डालने लगे ताकि बुक्स की जो किताबें हम जो डाल रहे हैं उनकी क्वालिटी बढ़िया आ सके। और उसके बाद शुरुआत में कुछ लिमिटेड फॉर्मेट थे जो पुराने प्रारूप हुआ करते थे, फिर धीरे धीरे इसके प्रारूपों में परिवर्तन आता गया और अभी आप किताबों को मिस वर्ल्ड में ऑडियो में अंग्रेजी की खास करके उनको ऑडियो में ब्रेल में ई पब में इन सारे फॉर्मेट्स में आप डाउनलोड कर सकते हैं और 10 लाख से ज़्यादा किताबें उपलब्ध हैं और ये अभी दुनिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन डिजिटल लाइब्रेरी है दृष्टिहीनों के लिए, दृष्टि दिव्यांगजनों के लिए। सदस्यता के लिए आपको आपके विकलांगता का दस्तावेज आपको प्रस्तुत करना पड़ता है, अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट देना पड़ता है और कुछ मामूली आपको अपने डिटेल देने पड़ते हैं जो कि आप बुकशेयर का जो बुकशेयर का इंडिया ऑफिस है आप आसानी से सर्च कर सकते हैं गूगल पे या फिर आप किसी भी DFI के मेंबर्स से भी आप संपर्क करके आप बुकशेयर के बुकशेयर लाइब्रेरी के मेंबरशिप बन सकते हैं जो भी दृष्टिहीन व्यक्ति हैं। यहाँ पर भी नियम वही है कि केवल दृष्टिहीन व्यक्ति ही इस लाइब्रेरी के मेंबर हो सकते हैं और स्पेशल एजुकेशन से जुड़े हुए जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं ये बताता हूँ कि स्पेशल एजुकेशन से संबंधित तकरीबन 2000 से ज़्यादा किताबें हमारे प्रयासों से इसमें अपलोड हुई हैं और ज़्यादातर आपको लेटेस्ट वर्जन ही यहाँ पर मिल जाएगा जिसको आप पढ़ सकते हैं और अपने पठन पाठन में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सदस्यता की यहाँ पर कोई लागत नहीं है, इसमें 10 लाख से ज़्यादा किताबें उपलब्ध हैं और बहुत सारी किताबें हमने शुरुआत में डाली थी, हो सकता है 2007, 8, 9 में डाली थी या 12 में डाली थी, तो गुणवत्ताएं अलग अलग हो सकती हैं पर अभी जो नाटकीय रूप से ऑटोमेशन इंक्रीज हुआ है, सॉफ्टवेयर में एक्यूरेसी आई है, OCR तकनीक में इम्प्रूवमेंट आया है तो किताबों का स्तर बहुत बढ़िया हो गया है और अभी हमारे पास बहुत सारे प्रकाशक हैं, सैकड़ों ऐसे प्रकाशक हैं जो साथ ही साथ अगर वो दृष्टिवानों के लिए किताब पब्लिश कर रहे हैं साथ ही साथ वो किताब बुकशेयर पर डायरेक्टली आ जाती है तो सेम डे वो किताब दृष्टिहीनों के लिए और दृष्टिवान दोनों के लिए उपलब्ध हो जाती है। ब्रेल में पढ़ने के लिए आप जो बुकशेयर की किताब बुकशेयर की जो किताबें हैं आप ब्रेल फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं, अपने आपकी जो ब्रेल डिस्प्ले वाले डिवाइस है उसके SD कार्ड में आप रख सकते हैं या फिर आप उसको मोबाइल के माध्यम से आप मोबाइल से आप अपने ब्रेल डिस्प्ले को आप कनेक्ट कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं या फिर अगर NIVH या NIVH जैसे अन्य 17 से ज़्यादा जो ब्रेल लाइब्रेरीज हैं वो आपकी किताब को अपनी पॉलिसी के हिसाब से वो आपको प्रिंट करके भी दे सकती हैं, मतलब अगर आपके पास या आपकी संस्था के पास अगर ब्रेल प्रिंटर है तो आप उसको हार्ड कॉपी बुक में भी आप प्रिंट करके पढ़ सकते हैं। कई लोगों के पास ब्रेल डिस्प्ले नहीं होता है तो आप उसका मदद ले सकते हैं और ब्रेल प्रिंटिंग बहुत महंगी भी नहीं है क्योंकि इसमें प्रूफ रीडिंग की जरूरत नहीं पड़ती है, फॉर्मेटिंग की जरूरत नहीं पड़ती है, ये ब्रेल प्रिंट के लिए ऑलरेडी अवेलेबल होता है, पूरा फॉर्मेटिंग किया हुआ होता है तो आप आराम से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। सदस्यता जैसे मैंने बताया आप बुकशेयर के इंडिया ऑफिस से आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करके आप इसकी सदस्यता ले सकते हैं। इसमें एक नया और बहुत ही यहाँ पर आप कह सकते हैं कि बहुत लेटेस्ट किताबें आपको मिल जाती हैं पढ़ने के लिए और यहाँ पर जो कलेक्शन है वो लाखों लाख में है, मतलब बुकशेयर से कई गुना ज़्यादा किताबें यहाँ किंडल पर अवेलेबल हैं
आप किंडल का फ्री वर्जन भी डाउनलोड कर सकते हैं, अमेजोन फ्री अनलिमिटेड है, एक फ्री अनलिमिटेड सेवा होती है जहां पर भी आपको लाखों किताबें अवेलेबल होती हैं। कुछ किताबें आपको खरीदनी पड़ती हैं, परंतु इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म पे और iOS पे, मतलब आईफोन पे आईपैड पे ये उपलब्ध है। और यहाँ से आप जो भी किताबें डाउनलोड करते हैं, मैक्सिमम मैं कह रहा हूँ, हर एक नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि अभी भी कुछ ऐसे बॉटलनेक्स हैं जहाँ पर वो किताबें हैं जो इनएक्सेसिबल है, जिनको आप ब्रेल में नहीं पढ़ पाएंगे अगर आप उसको ब्रेल डिस्प्ले से कनेक्ट करें तो भी। मैक्सिमम जो किताबें अवेलेबल हैं आप आराम से उसको किंडल फॉर्मेट में आप उसको डाउनलोड कर लीजिए और अपने मोबाइल या लैपटॉप को आप ब्रेल डिस्प्ले से कनेक्ट कर लें। ब्रेल डिस्प्ले से कनेक्ट करना, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे ब्रेल डिस्प्ले हैं, इसलिए मैं किसी एक ब्रेल डिस्प्ले पर फोकस नहीं करूंगा। और आप किसी भी ब्रेल डिस्प्ले को आप कनेक्ट करके आप उसका जो डिस्प्ले है, डिस्प्ले कंटेंट है, आप उसको आसानी से अपने ऑर्बिट रीडर, ब्रेल मी या अन्य और भी कोई भी ब्रेल डिस्प्ले है, आप उस पर आसानी से कनेक्ट करके आप पढ़ सकते हैं। आप कई बार ऐसी किताबें होती हैं पीडीएफ में या अन्य वर्जन में, अन्य फॉर्मेट में हमें मिल जाती हैं जो किंडल के लिए कंपैटिबल नहीं होती हैं, परंतु आज बहुत सारे ओपन सोर्स और पेड सॉफ्टवेयर हैं जो आपको इन किताबों को किंडल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने में मदद करते हैं। आप उनसे किंडल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं और फिर आप उसको किंडल में डाल लें और फिर आप उसको ब्रेल डिस्प्ले से आप कनेक्ट कर लें और उस किताब को आप ब्रेल में एक्सेस कर लें। किंडल में बहुत सारी किताबें जो लेटेस्ट पब्लिशर हैं, बड़े बड़े पब्लिशर हैं, वो ईपब में ही किताब डालते हैं अपने वेबसाइट पर, उनकी वेबसाइट से भी किताबें डाउनलोड की जा सकती हैं। कुछ अन्य स्रोत जिनके बारे में मैं चर्चा करूँ, जैसे आपके शहर की कोई लोकल लाइब्रेरी है, स्टेट गवर्नमेंट की लाइब्रेरी है, जैसे दिल्ली में दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी है, उसमें हाल के कुछ सालों में डिजिटल बुक्स भी खरीदी जा रही हैं। आप स्वयं भी आप कुछ पुस्तकें बना सकते हैं, जैसे आपके पास कोई माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की कोई किताब है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कोई पब्लिकेशन अवेलेबल है, आप उसको ईपब में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत सारे फ्री टूल अवेलेबल हैं, डेजी कंसोर्शियम के द्वारा बनाया गया लेटेस्ट एक टूल है जिसकी मदद से आप इसको उस प्रकाशन को आप पुस्तक में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बारे में हम आगे के वेबिनार्स में चर्चा करेंगे। मैं अनिवित से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो एक और वेबिनार रखें जहां पर हम कन्वर्जन पर चर्चा करें कि किस तरह सामान्य शिक्षक और सामान्य जन अपने लैपटॉप पे, मोबाइल पर बैठ करके किसी भी पीडीएफ को, वर्ड को आसानी से ईपब के लेटेस्ट फॉर्मेट में वो कन्वर्ट कर सके। सरकारी गैर सरकारी संस्थान बहुत सारे ऐसे हैं जो लेटेस्ट पब्लिशिंग स्टैंडर्ड को अपना रहे हैं, वहाँ से हमें किताबें उपलब्ध हो सकती हैं। विश्वविद्यालयों में उपलब्ध पुस्तकें, अभी बहुत सारी ऐसी विश्वविद्यालयों की लाइब्रेरीज हैं जो अपनी किताबों को डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर रही हैं। इसका अच्छा खासा उदाहरण दिल्ली विश्वविद्यालय है जिसने पब्लिशर भी लड़ाई की और मुझे इसका नतीजा नहीं मालूम, लेकिन दिल्ली विश्वविद्यालय का एफर्ट जारी है, वो अपने छात्रों के पढ़ने के लिए वो सारी किताबें डिजिटल फॉर्मेट में, डिजिटली इनफैक्ट एक्सेसिबल फॉर्मेट में उपलब्ध करा करके छात्रों तक ले करके जाए। और एक बड़ा जो रेवोल्यूशन ये हुआ है कि प्रकाशकों को भी, जैसा प्रशांत बता रहे थे, प्रकाशक खुद भी अपनी किताबों को ईपब में उपलब्ध करवा रहे हैं ताकि उनकी अपनी वेबसाइट से ही वो डायरेक्ट जो भी यूजर है, जो रीडर है, वो उनके वेबसाइट पर जाकर वहां से उस किताबों को डायरेक्टली ही डाउनलोड कर सके, खरीद सके। हमने ये देखा कि हम हिंदुस्तान में तो बहुत सारी किताबें पढ़ रहे हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी किताबें हैं जो हमें हिंदुस्तान में अवेलेबल नहीं हो पा रही हैं और कुछ खास देशों में वो किताब उपलब्ध है। तो DFI का ये प्रयास रहा है कि हम अंतर्राष्ट्रीय कोलैबोरेशन करें और वहाँ से हम जो पब्लिकेशंस हैं उनको हम अपने देश में मंगाएं और अपने देश के पाठकों को उपलब्ध कराएं। तो हमारा ये प्रयास जारी है। पिछले कुछ समय में DFI ने किताबें मंगवाई भी हैं, रीडर्स को अवेलेबल कराया है। अभी भी
हम अथॉरिटीज से रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर कहीं पर भी कोई डिफिकल्टीज आती है हम लोगों को बुक इंपोर्ट करने में, तो वो सारे डिफिकल्टीज को दूर किया जाना चाहिए। वो बहुत ही ज़रूरी है कि हम अपने हिंदुस्तान के छात्रों को, रीडर्स को अंतर्राष्ट्रीय पब्लिकेशंस को पढ़ने के मौके हम दें। अभी कुछ ऐसे भी सॉफ्टवेयर्स हैं, ऑटोमेशन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये सारे बुक पब्लिकेशंस में अपना रास्ता बना रही है और भविष्य हम कहते हैं कि 5 से 10 साल में ऐसा होगा कि आप मोबाइल की मदद से या लैपटॉप या कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर की मदद से आप बहुत तेजी से आप किसी भी किताब को एक्सेसिबल फॉर्मेट में आप बना सकते हैं। तो ये था मेरा छोटा सा प्रेजेंटेशन, क्रिस्प प्रेजेंटेशन बनाने की मैंने कोशिश की। आपका बहुत ज़्यादा समय भी नहीं लूंगा क्योंकि मैं तीसरे नंबर पर था और इस समय तक आते आते आपका कंसंट्रेशन थोड़ा सा कम होता है। तो कुछ प्रमुख चुनिंदा लाइब्रेरियों के इंट्रोडक्शन के साथ उनकी किताबों को हम ब्रेल में कैसे पढ़ सकते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वेबिनार में जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद निर्मल सर इस सब जानकारी के लिए। और मैं आपने बहुत अच्छे से हमारे सुनने वालों को बहुत अच्छे से इस बात का मालूम पड़ गया होगा कि कहाँ से वो ईपब की पुस्तक या और आगे पढ़ सकते हैं। और आपने कुछ सुझाव भी दिए हैं, हमारे आगे और होने वाले वेबिनार में हम आपके सुझावों को बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। और क्योंकि अब ईपब एक नई जनरेशन के रूप में, एक नई तकनीक के रूप में सामने आ रहे हैं, तो आगे आने वाले टाइम में ईपब पुस्तकें भी हम बनाएंगे। इस बीच में जो हमारे साथ जुड़े लोग हैं सब, उनसे मैं ये कहना चाहूंगी कि यदि आप में से किसी के सवाल है, हमारे तीनों एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं, यदि आपके कुछ सवाल है तो हम एक दो क्वेश्चंस ले सकते हैं। तो आप लोग, यू आर ओपन फॉर योर क्वेश्चंस, प्लीज गो अहेड। नमस्कार सर, नमस्ते मैडम, माय नेम इज सुशांत कुमार। सुशांत जी नमस्कार। माय नेम इज सुशांत कुमार पटेल। जो वाइटल सोर्स बुक सेल्फ जो सॉफ्टवेयर है, ये कौन सी वेबसाइट से कैसे डाउनलोड किया जा सकता है, या तो फिर जो ईपब टेक्स्ट पढ़ने के लिए कंप्यूटर में अदर जो सॉफ्टवेयर है कैसे डाउनलोड किया जा सकता है, और उसके जो नेविगेशन कुछ शॉर्टकट की के बारे में मुझे कुछ जानकारी चाहिए थे। और दूसरा एक छोटा सा सवाल है, जो सिंपली रीडिंग एप्लीकेशन है उसमें हम जो भी टेक्स्ट ओपन करते हैं हमारे टॉकबैक के साथ, तो अगर कंटिन्यूअस रीडिंग हम कर देते हैं, सॉरी कहीं भी हमारा हाथ लग जाता है, तो तब बुक पहले को जो हमारे जो स्टार्टिंग को चला आता है, तो उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दे दें तो अच्छा रहेगा। थैंक यू मैडम जी। हमारे एक्सपर्ट्स में से जी चौकी, मैं संतोष भी शायद कुछ ऐड कर दें, मैं बता देता हूं थोड़ा इसके बारे में। तो वाइटल सोर्स बुक शेल्फ आपको लैपटॉप के लिए अवेलेबल है, तो अगर विंडोज 10 है तो उसमें जो माइक्रोसॉफ्ट स्टोर होता है उसको अंदर मिलेगा आपको। तो आपका विंडोज 10 कंप्यूटर हो तो स्टार्ट में आप स्टोर लिखिए तो माइक्रोसॉफ्ट स्टोर खुलता है, और सर्च में वाइटल सोर्स बुक शेल्फ लिखेंगे तो वो वहाँ से डाउनलोड करके फ्री में इंस्टॉल कर सकते हैं। मोबाइल में एंड्रॉयड ऐप स्टोर में भी है और एप्पल iOS स्टोर में भी होता है, सब जगह पे फ्री है। उनकी वेबसाइट पे भी आप जा सकते हैं, आप vitalsource.com या गूगल में सिर्फ लिखिए vitalsource वाइटल सोर्स बुकशेल्फ, तो वहाँ से भी आसानी से पहुँच जाएंगे। शॉर्टकट कीज वगैरह इतनी जल्द इतने इस टाइप के प्रोग्राम में तो डिस्कस करना मुश्किल है, बस इतना बता सकता हूँ कि NVDA के साथ, जॉस के साथ ये सब पूरा एक्सेसिबल है। नॉर्मल तरीका जो होता है टैब वगैरह यूज करना, एरो कीज यूज करना, मोस्टली ऐसे ही होते हैं। कुछ स्पेशल की स्ट्रोक होते हैं वो आप वो यूज करेंगे ऐप तो उसमें पता लग जाएगा। जी थैंक यू सर, हम अपने वेबिनार को आगे बढ़ाते हैं और अब समय है वोट ऑफ थैंक्स का। तो इसके लिए मैं अनुरोध करूंगी हमारे इंचार्ज और
हमारे अगर हम कहें हमारे मेंटर हमारे डिपार्टमेंट के डॉक्टर पंकज कुमार आज का जो ये वेबिनार है सर, वैसे तो सर वोट ऑफ थैंक्स देंगे पर मैं सबको थैंक्स कहना चाहूंगी क्योंकि ये जो वेबिनार है ये सर के ही एफर्ट से हम इसको आयोजित कर पाए हैं। तो और इसके साथ ही मैं पंकज सर का स्वागत करती हूँ कि वो आकर वोट ऑफ थैंक्स दें। पंकज सर बहुत बहुत धन्यवाद चेतना मैम, इस कार्यक्रम को हम लोग अब समापन की ओर ले जा रहे हैं और मैं जहां तक समझ पा रहा हूं कि कई ऐसे बिंदु हमारे बीच उभर करके आज आए हैं, बहुत सारे सुझाव भी हमारे बीच आए हैं और उन सब पे आगे भी रूपरेखा तय की जानी है। तो मैं यहां पर सभी का इस कार्यक्रम में जो लोग भी जुड़े सभी का धन्यवाद देना चाहूंगा। इस क्रम में सबसे पहले तो धन्यवाद आज निदेशक महोदय का, हमारे डॉक्टर हिमांशु दास सर निदेशक, जो हमें हमेशा इस तरह के कुछ नवाचारी कार्यक्रम करने की के लिए प्रेरित करते रहते हैं और हमें उस पर किसी प्रकार की कोई अड़चन नहीं आती है, कार्यक्रम को जो भी सुविधाएं चाहिए होती हैं तुरंत मिलती हैं, उनका बहुत बहुत आभार। और साथ में इस कार्यक्रम को जब सोचा गया तो भाई जो हमारे जो स्टूडियो है उसमें जहाँ पे एक टॉकिंग बुक रिकॉर्ड किए जाते हैं, जहाँ पे प्रयास किया जा रहा है कि किस तरह से और भी एक्सेसिबल फॉर्मेट में बुक को लाया जा सके, दूसरे फॉर्मेट से कैसे इंटीग्रेशन हो सके, इसमें कार्य कर रही हैं और इस पूरे कार्यक्रम को लीड करने के लिए चेतना मैम हमेशा तत्पर रहती हैं और उनका बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने इस कार्यक्रम का बहुत अच्छा संचालन भी किया है तो मैं उनका भी धन्यवाद देता हूँ। और साथ ही इस कार्यक्रम के लिए जो एक महत्वपूर्ण रिसोर्स पर्सन जो हमारे बीच तीन लोग जुड़े, शांत वर्मा जी, संतोष खरे साहब जो दोनों लोग डीएफआई को रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो इनके साथ साथ मैं डीएफआई के सभी सदस्यों और सभी का इस कार्यक्रम के लिए धन्यवाद देता हूं। और इसके तीसरे कड़ी के रूप में निर्मल वर्मा जी थे जो कहीं ना कहीं मेरे मित्र भी हैं, तो मैं उनका भी धन्यवाद देता हूं कि आप सर आए और बहुत कम समय में हम लोग सब लोगों को एक अच्छे इन्फॉर्मेशन के सब लोगों ने आप लोगों ने शेयर किया है। एक जो बात सबके बीच उभर कर आती है कि आप इस तरह के कार्यक्रमों का और आयोजन होना चाहिए और चीजों की जो नीड एक्चुअल है उसकी एक पहचान होनी और उस पर आगे क्रियान्वयन होना ये बहुत जरूरी होता है। ये तो तय हो चुका है कि एक्सेसिबल बुक्स के बहुत सारे फॉर्मेट हैं और उस दिशा में हमें बढ़ना होगा जहां बेहतर इंटीग्रेशन हो सकता है। आज ईपब है, कल कुछ और भी हो सकता है, तो हमें इस तरह के कुछ नवाचारी शोध या इस तरह के चीजों की ओर भी बढ़ना होगा। हमें आशा है कि हमारे सबल निदेशक महोदय के निर्देशन में हम लोग आगे यह भी कर पाएंगे। तो मैं इस कार्यक्रम से जुड़े हुए सभी प्रतिभागियों का भी अंत में धन्यवाद देता हूं कि वो हमसे जुड़े और इस कार्यक्रम को एक एक जीवंत बनाया, सब जुड़े और सबने सवाल भी पूछे, जितने हमारे साथी जुड़े जिन्होंने अपने अपने अनुभव शेयर किए, सवाल रखे, उन सबका धन्यवाद। मैं आशा करता हूं कि आगे आने वाले समय में भी हम इन कार्यक्रमों का संचालन कर पाएंगे और एक दिशा मिली है नो डाउट कि आज हमने शुरुआत की और मैं आज महसूस कर रहा था कि बहुत सारे प्रतिभागी इसके नाम से ही जुड़ना नहीं चाह रहे थे, उन्हें लगता कुछ अलग तरह का कार्यक्रम हो रहा है क्या, शायद इसलिए बहुत लोग हमसे बहुत जुड़ भी नहीं पाए क्योंकि उनको टॉपिक समझ में शायद नहीं आ रहा था। और हम लोग इस दिशा में बढ़ना होगा और हमें एक पूरे इस दिशा में कार्य कर रहे हैं सभी शिक्षकों भावी शिक्षकों या जो भी पेशेवर लोग हैं वो जो काम कर रहे हैं इस दृष्टि में, इस शिक्षक जितने हैं उन सबको इससे जोड़ना होगा, इस मुहिम से जोड़ना होगा। ये ईपब की मुहिम नहीं होगी, ये मुहिम होनी चाहिए सुगम्य रूप से पुस्तकों की उपलब्धता का, सुगम्य रूप से जो चीजें हैं उनकी उपलब्धता का। मैं पुनः सबका एक बार धन्यवाद करता हूं, धन्यवाद।